हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ कुकर में बहुत ही फास्ट और इजी तरीके से मटन की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने 700 ग्राम यहाँ पे मटन लिया है और इसको वॉश कर लिया अच्छे से। मटन करी बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाले तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 20 से 25 लहसुन की कलियाँ लिया है। यहाँ पर लिया है मैंने 2.5 से 3 इंच तक का अदरक का टुकड़ा, इसे बारीक काट लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 2 बड़े टमाटर, इसको बारीक काट लिया, तो आधा ही मैं डालूंगी, आधा बचा लूंगी, मैं बाद में डालूंगी। आपको टमाटर डालना ना पसंद हो तो आप ना डालें। और मैंने यहाँ पे लिया है 10 से 12 हरी मिर्ची। तो मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डालें, जितना भी आपको तीखा खाना पसंद हो। यहाँ पे मैंने 1 बारीक कटा हुआ प्याज लिया है बड़े साइज का, तो इसे डाल देंगे, इससे ग्रेवी अच्छी बनती है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 ब्लैक इलायची, इसको हल्का सा कूट लिया है मैंने। और यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हैं मैंने। तो खड़े मसाले में हमने लिया है यहाँ पे जीरा, साबुत धनिया, काली मिर्च और 2-3 लौंग है, तो इसे भी डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा। तो बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं। यहाँ पे मैं 1 ग्रीन इलायची 2 डाल दूंगी। अब हम क्या करेंगे कि इसको दरदरा सा पीस लेंगे, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, और बिना पानी का ही पीसना है, क्योंकि टमाटर के साथ ही अच्छे से पीस जाता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मसाले मैंने पीस लिए हैं और ये हल्का सा दरदरा ही है, ना ज़्यादा ये बारीक है और ना ज़्यादा मोटा है। तो हमें ऐसा ही रखना है, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब यहाँ पे मैंने एक कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे सरसों का तेल। आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ज़्यादा टेस्टी बनता है मटन। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा। जीरा चटकने के बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा लहसुन। लहसुन डालने से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद हम डाल देंगे कटी हुई बारीक थोड़ा सा अदरक। इसे डालने के बाद हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन चला जाए। तो लहसुन अदरक भूनने के बाद हम डाल देंगे इसमें 1 ब्लैक इलायची, थोड़े से जावित्री, थोड़े से दालचीनी के टुकड़े। अब इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्ची, थोड़े से तेजपत्ता। आप चाहें तो यहाँ पे रेड मिर्ची भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 लहसुन के गट्ठे, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसको मिक्स करने के बाद हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज मैंने 4 मीडियम साइज के लिए हुए हैं, इसको बारीक काटा हुआ है मैंने। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और हल्का सा मिक्स करने के बाद अब इसमें हम टमाटर भी साथ में ही डाल देंगे। हमें अलग से ज़्यादा प्याज को गोल्डन नहीं करना है, ना तो टमाटर को अलग से पकाना है। बहुत ही इजीली ये गल जाता है साथ में, क्योंकि नमक डालने से प्याज और टमाटर दोनों ही अच्छे से गल जाएंगे। तो इसको हम कवर कर देंगे, 1-1.5 मिनट के लिए इसे हम पका लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये दोनों साथ में ही गल चुके हैं। तो ज़्यादा इसे गोल्डन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कुकर में बनेगा, तो जब हम ढक्कन बंद करके बनाएंगे मटन को, तो ये बहुत ही अच्छे से और भी गल जाएगा। अब यहाँ पे हम डाल देंगे पिसे हुए मसाले। तो ये मसाले डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे, और इसे 2 मिनट के लिए कवर करके बीच बीच में चलाते हुए हम पका लेंगे, और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। तो मसाले को मैंने 2 मिनट तक भून लिया है लो फ्लेम पे, बीच बीच में चलाते हुए कवर करके। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसके बाद डालेंगे हम 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और बिल्कुल थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, जिससे कलर अच्छा आ जाएगा इसमें। इसके बाद हम नमक डालेंगे। तो नमक मैंने प्याज और टमाटर को भूनते टाइम डाला था, तो इस टाइम भी मैं 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। तो इसे अब हम मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, नहीं तो मसाले नीचे से पकड़ सकते हैं, क्योंकि मसाले ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं भूनने के बाद। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसको भून लेंगे। तो कवर करके इसे हमें 2 मिनट के लिए भून लेना है लो फ्लेम पर, बीच बीच में चलाते हुए। तो 2 मिनट तक मसालों को हमने भून लिया है लो फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए। तो देख सकते हैं तेल भी सेपरेट हो रखा है और मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। तो इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। अब हम वॉश किए हुए मटन को डाल देंगे इसके अंदर। मटन
मटन को डालने के बाद हम बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले में ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए डाल देंगे इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी। तो मैंने इसको हाथों पे ले लिया है और इसे हम क्रश करके डालेंगे। तो क्रश करने के बाद इसे डाल देना है। अगर आप डालना नहीं चाहते तो ना डालें, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मैंने चिकन मसाले लिए हुए हैं, तो आप चाहे तो मटन मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास चिकन मसाला था तो मैं यही डाल रही हूँ। यहाँ पे देखिए, अब हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी जिससे हमें भूनने में बनेगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर करके बीच बीच में चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए, ताकि मसाले मटन के अंदर अच्छे से चला जाए और टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा और मसाले और चिकन साथ में पक जाएगा अच्छे से। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना अच्छा हमारा मसाला और मटन भून चुका है और तेल भी सेपरेट हो रखा है और कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया है इसमें। तो बस अब इसे हम मिक्स कर लेंगे और इससे ज़्यादा हमें मसाले को नहीं भूनना है। तो हमारा मटन और मसाला अच्छे से भून चुका है। तो इस तरीके से अगर पहले ही आप 2-3 मिनट तक भून लेंगे तो मटन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पे मैंने करीब 1.5 ग्लास तक पानी डाला है। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालें, जितना भी आपको तरी चाहिए। अगर तरी आपको पतली चाहिए चावल के साथ खाने के लिए तो थोड़ा ज़्यादा डालें, और रोटी के साथ खाना है तो कम डालें। मैंने ये चावल के साथ खाने के लिए बनाया हुआ है। तो अब मैं इसका ढक्कन बंद करके 4 से 5 सीटी आने तक पका लूँगी मीडियम फ्लेम पे, फ्लेम को हाई ना करें। तो 4-5 सीटी लगने के बाद ये हो चुका है। तो मैंने 10 मिनट बाद ही ढक्कन को खोला है, तुरंत ढक्कन को ना खोलें। तो देख सकते हैं ऊपर तक पूरा इसका तेल छोड़ दिया था, तो इसलिए आपको ज़्यादा दिख रहा होगा तेल। तेल मैंने ज़्यादा यूज नहीं किया हुआ है, तो मिक्स करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि तेल ज़्यादा नहीं है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है इसकी और कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है हमारा मटन। तो अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये गला है कि नहीं। तो देख सकते हैं इसको जैसे ही हम हाथों से मैश करेंगे उंगलियों से, ये अलग हो जाएगा। ये हड्डी को छोड़ चुका है बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा से गल चुका है ये, देख सकते हैं आप। लास्ट में मैंने कटी हुई हरी धनिया भी डाल दिया था। तो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही जल्दी हमारी मटन करी बनके तैयार है। तो मटन करी की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।